हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसके बाद दो और क्वेश्चन बचे हुए हैं 9 एंड 10, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में होगी उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक अलग से वर्ड इन्होंने क्या दिया, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई एक्चुअली बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या दिया हुआ है कि ये बाहर दे दिया है, मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सारे वेरिएबल्स एक पास ले आओ, नंबर्स एक पास ले जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे सिंप्लीफाई। उसके बाद वहां से इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो इक्वेशन हमें लगभग वैसी ही मिलती थी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करेंगे। तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3t-9, क्योंकि हमें पता है अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है तो वो दोनों से, मतलब अंदर ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं वो सबके मल्टीप्लाई में होता है। तो सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा और साइन भी मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, प्लस 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 हो गया, इसके पास प्लस था, इसके पास माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, सिमिलरली इधर हो जाएगा 5 2s are 10t और प्लस 5। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 3t-10t = 5 और प्लस का ये इधर आ जाएगा 9। राइट, अभी क्या होगा, ये सब्ट्रैक करेंगे तो 7t आ जाएगा = 14 आ जाएगा। ठीक है, तो t = हो जाएगा 14/-7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7 7 2 14, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, नहीं, 2/-1, क्योंकि -1 नीचे और ये -1 कहाँ जाएगा, ये मतलब 1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। हमें पता है, याद रखिएगा आप, मैं बता दे रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता है, अगर माइनस नीचे भी है डिनोमीटर में तो वो एक्चुअल में माइनस फिर ऊपर ऑटोमेटिकली चला जाता है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, तो इक्वल टू में आ जाएगा -2 और नीचे 1 लिखते नहीं है, तो इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, t = -2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से वही करना है, 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 15y माइनस का 60 माइनस का 2y प्लस 18 सॉरी। अब देखिए यहाँ माइनस देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसी वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो 2y हो गया। अब ये माइनस प्लस हो गया, तो इस वजह से 2 9 18 प्लस का 5y एंड प्लस 5 6 30 = 0। अब हम y वाले टर्म प्लस माइनस कर लेंगे, तो देखिए 15y प्लस का है, 5y प्लस का है, ये हो जाएगा 20y और उसमें से माइनस का 2y कर देंगे तो 18y। राइट, 18y। उसके बाद आप देखिए नंबर्स, तो माइनस का 60 है, प्लस का 18 है। एक काम करते हैं, एक पास लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आसानी भी हो जाए। ठीक है, आपको भी लगे कि क्या हो रहा है, माइनस का 2y प्लस का 50। और एक काम करते हैं, नंबर्स को उधर ले जाते हैं, एक्चुअली में ये 50 नहीं है, ठीक है, 5y है और इक्वल टू, हम क्या करते हैं नंबर्स को उधर ले जाते हैं। देखिए माइनस 60 ये उधर जाएगा, प्लस का 60, ये माइनस का 18 है, सॉरी प्लस का 18 है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है उधर, सॉरी ये प्लस का है उधर, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया था, 20, 18 आया था, 18y = ये अब जब करोगे तो देखिए 60 और माइनस 30, हमें पता है 30 होता है क्योंकि 30 का डबल 60 होता है, तो 60-30 30 हो गया, 30-18 तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। राइट, 30-18 12 होता है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12/18। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 से तो होगा नहीं, 6 से करते हैं, 6 2s are 6 3s are, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको 7 और 8 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे 9 एंड 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।